तो ये रकम दे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है, नहीं एक कतल नहीं करना। दुश्मन इस्लाम दी लाशों के ढेर लगा दे इंशाल्लाह। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हुई एक वारदात ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। जिहाद के नाम पर लारेब हाशमी नाम के कट्टरपंथी ने कन्हैया लाल हत्याकांड जैसी घटना दोहराने की कोशिश की। उसने इस्लामी नारे लगाते हुए चापड़ से एक बस कंडक्टर पर हमला कर दिया था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला की बरकत से इंशाल्लाह वो बचेगा, नहीं इंशाल्लाह वो मरेगा। पीड़ित के गर्दन पर वार करने के बाद वो मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं अब लारेब हाशमी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ACGM कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है। पुलिस की पूछताछ में बेहद हैरान करने वाले खुलासे सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज पुलिस ने जब हाशमी से पूछा कि वो इतनी कट्टरता आखिर लाता कहां से है, तब उसने अतीक अहमद का नाम लिया। लारेब हाशमी ने बताया कि वो अतीक अहमद से बहुत प्रभावित था, वो अतीक अहमद की तरह बनना चाहता है, इसी वजह से उसने अतीक अहमद की तरह साफा पहनना शुरू किया। उसको अतीक की तरह बड़ा नाम कमाने की चाहत है। अतीक की मौत से वह दुखी हुआ था। अतीक की दबंगई उसे बहुत पसंद थी। बीटेक के स्टूडेंट लारेब हाशमी के घर से पुलिस ने एक लैपटॉप भी बरामद किया है। लारेब के लैपटॉप और फोन से जो मिला वो चौंकाने वाला है। लारेब का लैपटॉप धर्म विशेष वीडियोज और फोटोज से भरा पड़ा है। उसके लैपटॉप में मुख्य तौर पर यही दो चीजें पुलिस ने बरामद की है। लैपटॉप से मिले दूसरे अहम सुरागों की अभी जांच चल रही है। साथ में हाशमी ने और भी बड़े कबूलनामे किए हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपी लारेब हाशमी ने कई बड़े कबूलनामे किए हैं। हाशमी को अपनी हरकतों का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। जिस तरह की बातें उसने पुलिस के सामने की, उसे साफ समझ आता है कि कहीं ना कहीं हाशमी का ब्रेन वॉश हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक उस दुश्मन ने इस्लाम जो मुसलमान को गाली दे रहा था, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला की बरकत से इंशाल्लाह वो बचेगा, नहीं इंशाल्लाह वो मरेगा। और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज की तरह का कुत्ता पैगाम दे रहा है, जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूलल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाल्लाह मार देंगे। तो ये रकम है कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है, नहीं हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफ़ा जानी रहमत का चलता है। इंशाल्लाह अंतरीम मारेंगे। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों, अपनी जानो माली से तो आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। जिसने वो तेन बताने, तू बचते सही, तेन दसना है हुजूर के गुलाम कैसे होते हैं। या हादी हुसैन रजवी, आपने फरमाया था अल्लाह के राह में निकलो फरिश्ते आएंगे। हूँ मैं दिन रात फरमाऊँ, एक कतल नहीं करना। दुश्मन इस्लाम दी लाशों के ढेर लगा देने इंशाल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर उसने कंडक्टर पर हमला क्यों किया था। तो आपको बता दें कि आखिर उस बस में ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से लारेब ने कंडक्टर पर हमला किया। दरअसल लारेब हाशमी प्रयागराज की यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। हर रोज की तरह वो 3 दिन पहले भी सरकारी बस से कॉलेज जा रहा था। बस में उसकी साथी छात्राएं भी मौजूद थीं। इसी दौरान 10 रुपए के टिकट को लेकर हाशमी का कंडक्टर हरिकेश से विवाद हो गया। आरोप है कि कॉलेज की छात्राओं के सामने ही कंडक्टर ने उसे अपमानित किया। कंडक्टर के अपमान से गुस्साए हाशमी ने बदला लेने की ठान ली थी। हालांकि बाद में हाशमी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद हाशमी की कट्टरता की भी बात होने लगी।
अब सीएम योगी इस पूरे मामले पर इंसाफ करेंगे। जानलेवा हमले में घायल इलेक्ट्रिक सिटी बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा का इलाज राजकीय मेडिकल कॉलेज के एसआरएन अस्पताल में चल रहा है। घायल कंडक्टर एसआरएन अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती है, जहां उसकी हालत में सुधार हो रहा है। इस बीच कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा के पिता राम शिरोमणि विश्वकर्मा ने योगी सरकार से आरोपी बीटेक छात्र लारेब हाशमी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि मोदी और योगी राज में उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। अब पिता की इस गुहार पर और लारेब के इस खुलासे पर, जिसका कनेक्शन अतीक से है, इस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।